हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दिखाऊंगा कि पेस्टल कलर से एक बहुत ही खूबसूरत एक पेंटिंग आप कैसे कर सकते हैं, जो कि है ऐसे ही खराब जैसे कि देख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा रिंकल्स मतलब मुड़े हुए हैं इस पेपर में। तो ऐसे ही मुड़े हुए पेपर में आप कैसे एक पेस्टल कलर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं पेस्टल कलर, तो वही मैं वीडियो में दिखाऊँगा। दो पिक्चर में ड्रॉ करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना आपसे। और ऐसी पेस्टल और वाटर कलर्स, ऑयल कलर्स, एक्रेलिक कलर बहुत सारे आर्ट कलर्स में इस चैनल पर अपलोड करते हो, तो वीडियो पूरा देखते रहिए। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पेपर कितना मुड़ा हुआ है। मतलब मेरा ये मोटिव है कि पेपर को फेंके मत, उससे कुछ काम में लगाए तो हम ऐसे पेस्टल को कर सकते हैं। अगर पेपर टेयर हो गया है तो उसको और भी टेयर करके कोई डिज़ाइन सा बना लीजिए, और उसके बाद ऐसे पेस्टल कलर को लेकर कुछ उसके कलर को पेपर में कीजिए। बहुत ही मज़ेदार एक पेंटिंग उभर के आएगा। अब देखते रहिए, देखो आसान हो गया। तो मतलब ऐसे करके आप उंगली से ब्लेंड कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप, और इसके बाद में थोड़ा मार्कर का इस्तेमाल करूँगा, कैसे आप देखिए, और बहुत ही सुंदर लगेगा उसके बाद। तो ऐसे आप कर सकते हैं पेपर को बिना फेंके। कुछ काम कीजिए जो बहुत ही मतलब उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा पेपर ख़राब हो इस तरह के पेंटिंग्स में। तो आप ऐसे पेंटिंग्स कर सकते हो, इसमें अच्छे पेपर में भी कर सकते हो, वो नहीं है कि आप अच्छे पेपर में नहीं करो। लेकिन इससे पेपर, ऐसे पेपर में आप करोगे तो आपका पेपर वेस्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहले ही मार्कर से पेड़ को बना रहा हूँ, एक डिज़ाइन समझ लो। तो यहाँ पर मैं पेस्टल कलर को टैप टैप करके, मतलब डॉट डॉट करके यहाँ पे पेस्टल कलर को दूंगा, क्योंकि यहाँ पर टैप टैप करके दोगी तो बहुत अच्छा लगेगा आखिर में, मतलब एंड में आपको बहुत सुंदर लगेगा। अगर, और इसमें बहुत ही पेशेंस चाहिए क्योंकि टाइम लगता है टैप टैप करने के। अगर थोड़ा सा भी सीधी लाइन आ जाए तो पिक्चर ख़राब हो सकती है। तो ध्यान से, बहुत धीरे धीरे से आपको यहाँ पर टैप टैप करके कलर कर लेनी होगी। तो लेयर बाय लेयर, मतलब पहले मैंने येलो का फर्स्ट सेट दिया, उसके बाद येलो का दूसरा सेट, फिर ऑरेंज का हल्का वाला सेट, ऑरेंज का दूसरा सेट, देन रेड का दिया, देन क्रिम्सन लेक। अगर आप नीचे भी वैसे ही कर लोगी तो थोड़ा सा मतलब पत्तियाँ गिरी हुई हो, ऐसे सिनेरियो को समझ के आपको पेंटिंग कर लेनी है। और पीछे थोड़ा ब्लू कलर कर दीजिए तो पेंटिंग आखिर में बहुत सुंदर लगेगी। तो आप देखते रहिए वीडियो को, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि कैसा हुआ। और ऐसे पेंटिंग्स, आर्टवर्क्स बहुत सारे मीडियम से, वाटर कलर, ऑयल कलर्स, एक्रेलिक पेंटिंग, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में इसमें लाता हूँ, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, तो ऐसे वीडियो में लाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। और ऐसे आर्टवर्क और पेंटिंग्स और ऑयल कलर्स और एक्रेलिक कलर्स, वाटर कलर टिप्स, स्केचेस के टिप्स मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।